इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड जब एक वैक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट किस तरह का आता है अ वैक्टर मल्टीप्लाईड बाय अ स्केलर अब सबसे पहले तो यहां पे पता होना चाहिए कि हम किस तरह के स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर असल में दो तरह के होते हैं देर आर नुमैरिकल स्केलर्स जिन्हें आप नंबर भी कहते हो एंड देर आर स्केलर क्वान्टिटीज नूमेरिकल स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैक्टर किस तरह से बिहेव करता है पहले हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं ले मेरे पास एक वैक्टर है ए मैंने इसे किसी नुमेरिकल नंबर यानी टू से मल्टीप्लाई कर दिया ये एक वैक्टर था वैक्टर ए मैंने इसे टू से मल्टीप्लाई किया ये क्या करेगा सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को नंबर टाइम्स कर देगा यानी मैग्नीट्यूड विक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द वेक्टर से वेक्टर की लेंथ डबल हो जाएगी ये ए है तो ये टू ए है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये वेक्टर फोर्स वेक्टर था तो ये फोर्स डबल हो गई अगर आप इसे नंबर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फोर्स थ्री टाइम्स हो जाएगी और वैक्टर की मैग्नीट्यूड भी थ्री टाइम्स हो जाएगी ये आपने जब किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया लेकिन नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है व्हाट इफ अगर हम इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव साइन वेक्टर की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देता है यानी माइनस वन इन टू ए मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने वन से मल्टीप्लाई किया वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं डालता लेकिन ये नेगेटिव साइन ने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया व्हाट इफ अब अगर हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड को तो डबल करेगा ही करेगा लेकिन साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर देगा और डायरेक्शन का रिवर्स होना इज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन यहां से हमें ये पता चल रहा है कि आप जब किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड नंबर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेक्टर इट्स उसकी नेचर चेंज नहीं होती अगर वो फोर्स है फोर्स टू टाइम्स फोर्स थ्री टाइम्स फोर्स फोर टाइम्स होती जाएगी और अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो वैक्टर की सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी मैग्नीट्यूड नंबर टाइम्स चेंज हो जाएगी लेकिन वैक्टर की नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब हम ये देखते हैं कि वॉट इफ अगर आप वैक्टर को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो जैसे मेरे पास एक वैक्टर है वेलोसिटी वैक्टर, वैक्टर अगर मैं इसको एक स्केलर क्वांटिटी मैथ से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका रिजल्ट आ जाता है मोमेंटम आपने क्या किया एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जवाब आपके पास एक वैक्टर आया पहला पॉइंट कि आंसर इज ऑलवेज अ वैक्टर लेकिन इट विल नो मोर बी द सेम वैक्टर जब आप एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर की नेचर ही चेंज हो जाएगी जिस तरह यहां पे ये वेलोसिटी वेक्टर था मास स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो मोमेंटम बन गया जिस जैसे आपके पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर है अगर आप इसे मैथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास अब एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है फोर्स के अंदर यानी वेक्टर कन्वर्ट्स टू फोर्स वेक्टर जब आपने इस वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो यहां से फिर हम अगर दूसरी बात करें कि जब आप एक वैक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें पता चलता है कि वो क्वांटिटी अगर तो पॉजिटिव है डायरेक्शन सेम रहेगी मोमेंटम की डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर चेंज हो जाएगा अगर व्हाट इफ क्वांटिटी नेगेटिव होती यानी मैं इसे माइनस एम से मल्टीप्लाई करता तो आंसर नेगेटिव एफ आता यानी अब आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती तो नेगेटिव साइन इज ऑलवेज मेंट फॉर द रिवर्सल इन डायरेक्शन यहाँ पे हमने इस लेक्चर के अंदर दोनों मल्टीप्लिकेशन को ऑब्जर्व कर लिया कि जब एक वैक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्केलर नंबर्स के केस के में पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं और स्केलर क्वांटिटीज के केस में के पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं दोनों को हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर लिया